कहानी सुंदरवन जंगल की है। चिड़िया बहन जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं गोरी बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी खोलो। चिड़िया तुरंत ही दरवाजा खोलती है और गोरी को घर के अंदर ले लेती है। गोरी बहन आप इस तेज बारिश में यहाँ, बोलिए क्या काम था जो बारिश में आना पड़ा। चिड़िया उस मरे कालू ने झगड़ा करके दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बारिश में भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गोरी आप दोनों बड़े शरारती हो, रुको मैं आपके बैठने के लिए घोंसला लाती हूँ। टोनी चिड़िया ऐसे बोलकर गोरी कौवी के लिए घोंसला लाने जाती है, मगर गोरी की नज़र तो चिड़िया के रखे दाने पर थी। वो तुरंत ही सारा दाना लेकर भाग जाती है। शैतान गोरी मेरा दाना लेकर भाग गई, रुक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गोरी कौवी आगे भाग रही थी और चिड़िया उसके पीछे पीछे। कालू कौवा दरवाजा खोले गोरी का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही गोरी को अंदर लेता है और दरवाजा फट से बंद कर लेता है। दुष्ट कालू दरवाजा खोलो, मेरा दाना वापस करो, ये मैंने बारिश के लिए इकट्ठा किया था, आप मेरा दाना नहीं खा सकते, मेरा दाना वापस करो। छोटी चिड़िया अब तो दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही खुलेगा, अगर तब तक इंतजार करना है तो कर लूं। चिड़िया आप घर चली जाए, ये दाना कम से कम 4-5 दिनों में खत्म होगा, तब तक आप बाहर क्या करोगी। कालू गौरी आप दोनों बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी आना मेरे पास। चिड़िया दुखी मन से अपने घर आती है। कालू गौरी मजे से चिड़िया का दाना खाते हैं। वाह गौरी तरकीब लगाई, बारिश में झट से दाना खोज लाई, अब तो चिड़िया भूखी मरेगी मरेगी और हम मजे से वारिसों का आनंद लेंगे। गोरी आंटी तो हमारा सारा दाना ले गई, पिंकी वही तो मैं सोच रही हूँ, अब हम क्या खाएंगे। मम्मा मुझे भूख लगी है, मैंने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया था। गोरी आंटी सब ले गई, पिंकी मैं तोती के घर जाती हूँ और आपके लिए कुछ लाती हूँ। फिर चिड़िया तेज बारिश में तोती के घर जाती है। तोती दरवाजा खोलो, मैं हूँ। कहो टोनी कैसे आना हुआ। तोती बहन वो गोरी मुझे बुद्धू बनाकर मेरा सारा दाना ले गई, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरी पिंकी भूखी है। आपको उस शैतान गोरी से सावधान रहना था, वो तो हमेशा से ही चुरा के खाते हैं। अब पता नहीं ये बारिश कितने दिन तक रहेंगी, आज का दाना तो मैं दे दूंगा, बाकी के दिनों क्या खाओगी। तोती बहन कुछ तो करूंगी, ऐसे भूख से तो नहीं मरूंगी। फिर तोती चिड़िया को 2-4 दाने दे देता है। चिड़िया अपने घर आती है और पिंकी को खिला देती है। अगले दिन भी बारिश बिल्कुल वैसे की तैसे थी। मम्मा आप इस बारिश में कहाँ जा रही हो। बेटी पेट तो भरना पड़ेगा, ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया उस तेज बारिश में घर से निकल जाती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, मामा चिड़िया उड़ने में नाकाम हो रही थी क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। चिड़िया खूब जी जान लगाकर उड़ रही थी, अगर तेज हवा के झोंके उसे उड़ने नहीं दे रहे थे वो उसे उड़ाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। चिड़िया रानू चिड़िया के घोंसले के पास गिरती है। रानू चिड़िया बहुत अच्छी और दयालु थी। अरे चिड़िया बहन आप इस बारिश में घर से क्यों निकली, तुम ठीक हो, कोई चोट तो नहीं लगी। बहन मेरी बेटी और मैं बहुत भूखे हैं, एक कौवी ने धोखे से मेरा सारा दाना छीन लिया, इसलिए मुझे इस बारिश में ही आना पड़ा और ये तेज हवाएं मुझे यहाँ खींच लाई। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, जरा रुको मैं अभी तुम्हें दाना देती हूँ। फिर रानू चिड़िया टोनी चिड़िया को ढेर सारा दाना दे देती है। चिड़िया वो दाना लेकर बहुत खुश थी। जीती रहे बहन आप हजारों साल जिए, आपने मेरी मदद करके मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी, आप हमेशा जीती रहें। फिर चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आती है और पिंकी को खिलाती है। पिंकी बेटी देखें,
ये दाना बहुत सारा है, अभी पूरी बारिश चैन से गुजार सकते हैं। भला हो उस चिड़िया बहन का। माँ, अब बुरे कौवा को कभी अंदर मत आने देना, वो बहुत बुरे हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी दाना खाती है और अपने घोंसलों में लेट जाती है। बारिश भी हफ्ते भर तक लगातार होती है, कौवा का सारा दाना खत्म हो जाता है। कालू, किसका लाऊं? सब पक्षी बहुत चालाक हैं, बस एक चिड़िया ही है जिसका दाना मैं ला सकती हूँ। तो फिर जाओ चिड़िया के घर, उसके पास अभी भी ढेर सारा दाना है। मैंने पिंकी को खिड़की से खाते हुए देखा है। कालू, अब क्या बहाना बनाओ, पहले वाला तो पुराना हो गया, अब चिड़िया बातों में नहीं आएगी। आइडिया गोरी, आइडिया मेरे पास जबरदस्त आइडिया है। इस बार हम दोनों चलते हैं, चिड़िया से बोलेंगे, हमारे घर में पानी भर गया, हम ठंड से मर रहे हैं। चिड़िया बहन, हमें अंदर आने दो, हमारे घर में पानी भर गया है, हमारी मदद करो, हम ठंड से मर जाएंगे। चिड़िया समझ जाती है ये फिर से मेरे दाने चुराने आए हैं, इसलिए वो उन्हें अंदर आने नहीं देती। हाँ, तो मर जाओ, मुझे क्या बताते हो, आप वही हो जो मेरा दाना लेकर भागे थे। चिड़िया बहन, प्लीज हमें घर में बुला लो, इस बार हमेशा कुछ नहीं करेंगे। सच में हमारे घर में पानी भरा है, छत टूट गई है। कालू गोरी, आप जाते हो या दरवाजा भी बंद करो, मैं अपना दरवाजा ही लगाती हूँ। कालू, ये टोनी चिड़िया बहुत चालाक हो गई, अब चले घर, भीगने से कुछ नहीं होगा। वो दोनों वहाँ से लौट आते हैं, मगर उन्हें तो अपने घर का दरवाजा भी बंद मिलता है। वो खिड़की से देखते हैं तो वहाँ दो चील बैठे हुए थे। मर गए, गोरी मर गए, घर भी लूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे, अंदर चील बैठे हैं। अगर गए तो वो हमें खा जाएंगे ना। न कालू, ऐसी गलती ना करना, घर में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, वो जरूर भूखे होंगे, हमें खा जाएंगे। ऐसे उन बुरे कौवों का घर भी लूट जाता है और चिड़िया का दाना भी नहीं मिलता। इस तरह से इन्हें बारिश में पूरी रात जाकर बितानी पड़ती है। दूर किसी जंगल में कुछ पक्षियों का बसेरा था। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया के घोंसले में फल और कुछ चावल रखे थे। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा भी रहता था, वो तो बहुत आलसी थे। पति कालू जी, जोरों की भूख लगी है और वो देखे छोटी चिड़िया के घोंसले में भोजन है, क्यों ना हम जाके खा ले। नहीं गोरी, चिड़िया इस समय नदी पे गई हुई है, किसी ने हमें देख लिया तो हम चोर कहलाएंगे, जंगल से भी निकाल दिए जाएंगे। आप भी ना इतना डरते हो, हम कौवे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे, चिड़िया का भोजन हमने खाया है, अब चले। फिर गोरी कभी कालू को अपने साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में चली जाती है और चिड़िया के घोंसले का पूरा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया नदी से वापस आती है तो अपने घोंसले को खाली देख मम्मा चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे, मेरे घोंसले में फल और चावल रखे थे, अब कहाँ गए मेरा भोजन, कौन दुष्ट ले गया। चिड़िया कबूतर के पास जाकर बोलती है, कबूतर भैया, मैंने अपने घोंसले में भोजन रखा था, मैं नदी पर गई थी और जब वापस आई तो कुछ भी नहीं मिला, आपने मेरे घोंसले में किसी को देखा था। नहीं टोनी बहन, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तब तो आपके घोंसले में कोई नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा, हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी भूखा हो और आपके घोंसले से अपना पेट भर के चला गया। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती है। इधर कावे तो आराम से बैठे थे। देखा कालू जी, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गोरी, और उस चिड़िया का क्या है, मिनटों में भोजन खोज लाती है, दाना भी कितना स्वादिष्ट था। इस तरह से दोनों पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो उनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी, वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं रेशमा, मैं कैसे भोजन जमा करूं, जैसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रखी जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा पूरा भोजन ले जाता है।
मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोज आपका भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ा भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कहती हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाजा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर टोनी चिड़िया लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गोरी के पास जाता है। गोरी चिड़िया अपना घर लकड़ी से बनाने वाली है। अगर उसने लकड़ी का घर बना लिया तो हम भोजन कैसे चुरा पाए? चोरी करने में बड़ी दिक्कत होगी। ना ना कालू जी, चाहे कुछ भी हो, मैं टोनी चिड़िया को लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है भोजन चुराने को। ऐसे कालू गोरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया खूब लकड़ियां जमा करती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हूँ। फिर टोनी चिड़िया बड़ी झाड़ियों के पीछे देखती है। उसे जादुई परी मकड़ी के जाल में फंसी मिलती है। चिड़िया मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ काफी देर से फंसी हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काटती है और परी को जाल से आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जंगल में तुम नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक ऐसे जाल में फंसी रहती। धन्यवाद, कैसा मुसीबत में फंसे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। फिर परी आसमान में उड़ जाती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने जंगल लौट आती है। वो लकड़ियों को अपने घोंसले के पास रहकर सो जाती है। वो लकड़ी काटने के कारण बहुत थक जाती है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जाओ जाओ, कालू चिड़िया की लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंक आओ, हम भी चिड़िया का लकड़ी का घर बनने नहीं देंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ी का गट्ठा उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है। मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने रात को यहीं रखी थी, अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चोर के ले गया। चिड़िया रोती हुई फिर से जंगल जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू का वह फिर से आता है और चिड़िया की लकड़ियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी टोनी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ है, मेरी लकड़ियाँ कहाँ है। ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियां नदी में फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है। बस बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गोरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू जी, बस चार दिन की मेहनत की चिड़िया ने और लकड़ी लाने का भूत उतर गया उसके सर से। गोरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। आओ नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। ऐसे बातें करके दोनों कावे नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी, तभी वहाँ जादुई परी चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बोलो तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया की मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो उन पत्तों से ही जादुई घर बना देती है और चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन मेरी जान बचाई, तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की, अब मैं चलती हूँ। ऐसे जादुई परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर हैरान थे। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता, गोरी में भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, चिड़िया के घर के पत्ते उड़ा देंगे।
कालू गोरी ऐसी बातें कर चिड़िया के घर को रात में ही तोड़ने चली जाती हैं। मगर जादुई पर ही सब देख रही थी। तो ये कौवे हैं जो भोली चिड़िया को परेशान करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी दूर फेंक कर आए। आज ने सबक देना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी कभी जैसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं, तो जादुई परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रहा है? बचाओ मुझे तो कोई बचाओ। दुष्ट कौवों, मैं जादुई परी हूँ। तुम दोनों भोली चिड़िया को बहुत दुखी करते हो, इसलिए आज तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत जरूरी थी। ना ना परी जी, डंडे से तो मत पीटे, रुक जाए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं। और मैं तो खुद ही भोजन लेने जाया करूँगा, चिड़िया के लिए भी जाया करूँगा। अब हमें पीटना बंद करें। डंडा बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद दोनों का वे बहुत सुधर गए थे।